अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक जी। मैं आज हम लास्ट वीडियो जो किडनी डाइट सीरीज़ की है, एक दो पॉइंट रह गए थे, तो आई मेड एन अदर वीडियो। दिस इज़ द 12th वीडियो। क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि जब किडनी डिजीज़ होती है तो साथ और भी बीमारियाँ होती हैं, दिल का मसला होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है। तो ज़िंदगी में सारी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती कि एक ही चीज़ होगी, तो उसमें फिर डाइट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो जैसे कोमोबिड कंडीशन हो सकती है कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, साथ शुगर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, साथ ब्लड प्रेशर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, साथ हार्ट डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, साथ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, साथ कोई और कंडीशन है, तो कोई मेल न्यूट्रिशन की ऐसी कोई अजीबोगरीब सी चीज़ है। तो इसमें फिर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को उसके स्टेज के मुताबिक डाइट करनी है, एज़ लॉन्ग एज़ वो दूसरी जो बीमारी है उसकी डाइट में इंटरफेयर ना करे। जैसे सिंपल है कि डायबिटीज़ से 60-70% आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, तो आपने डायबिटीज़ वाली सारी डाइट भी करनी है, यानी कि शुगर, मीठी चीज़ें, चीनी, ये चीज़ें कम इस्तेमाल करनी है, जैसे जैसे आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डॉक्टर कहता है। और साथ ही साथ फिर आपने किडनी डाइट की भी रिस्ट्रिक्शन करनी है, जो जिस स्टेज के मुताबिक है, आपकी सिचुएशन के मुताबिक है। लेकिन अगर आपको हार्ट फेलियर है, बहुत ज़्यादा फ्लूड इकट्ठा हो जाता है, तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी किडनी डाइट के साथ। अगर आपको डायबिटीज़ है तो मीठी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी उसके साथ। तो आपने ओवरऑल मरीज़ को ट्रीट करना होता है, किसी एक कंडीशन को ट्रीट नहीं करना होता। तो मुझे था कि ये एक लास्ट बना के इस सारी जो वीडियो सीरीज़ है ना, इसको कंप्लीट और सील कर दूँ। हमने तकरीबन 12 वीडियो बनाई हैं, जिसने नहीं देखी वो सारी देख सकता है, शुरू से लेके स्टेजेस के मुताबिक बेसिक कॉन्सेप्ट, किस स्टेज में क्या करना है, ट्रांसप्लांट में क्या करना है, डायलिसिस में क्या करना है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या करना है, किडनी डैमेजिंग कौन सी डाइट है, किडनी प्रोटेक्टिंग कौन सी डाइट्स हैं, इसी तरह से मिसकंसेप्शन क्या हैं। तो मेरे ख्याल में इतनी कॉम्प्रीहेंसिव किडनी डाइट की वीडियो सीरीज़ आपको यूट्यूब पे तो क्या कहीं भी नहीं मिलेगी। आई मेड सम एफर्ट टू प्रोड्यूस दिस। आपको बॉटम लाइन एंड में एक बोनस पॉइंट दे देता हूँ कि इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आपका डॉक्टर, फिजिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट अच्छा, समझदार, कॉम्पिटेंट है, तो वो आपको देखता है, दो लैब्स देखता है, आपका डीमा, ब्लड प्रेशर देखता है, तो ये सारी चीज़ें। मुझे तो इट टेक्स मी लाइक 10-15 सेकेंड टू फिगर आउट कि आपकी किस तरह की डाइट होनी चाहिए या आपकी क्या मेन गाइडलाइन है। तो सारी 12 वीडियो 10-10 मिनट की, कई मिनट्स की, उसका बॉटम लाइन ये कि नेफ्रोलॉजिस्ट कुड ईजीली गाइड यू, और इफ़ ही टेल्स यू कि आप ये खा सकते हैं तो फिर आप खा सकते हैं, उसकी कोई वजह होगी, आप पूछ सकते हैं ऑब्वियसली। तो आई होप यू लाइक ऑल दिस वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।